है इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। IMO नंबर जो है आपको वेसल पे, ये जो वेसल है, ये जो जहाज है वेसल जो है 8 साल पुराना है। और यहाँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेसल और ओएज ओएज में क्या अंतर होता है। बेसिकली वेसल की जो एज है, कितनी एज है वेसल, कितने साल पुरानी वेसल है, कौन से रूट में है, कौन से कंट्री का वेसल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वेज जो है, हर एक बार वेज का जो नंबर है वो क्यों चेंज हो जाता है, तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और तो सबसे खास बात है कि इसमें मैं आपको बताऊँ, IMO नंबर, जो वेसल का IMO नंबर है वो कैसे आप ढूंढ सकते हैं, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं वेसल के IMO नंबर को। और IMO नंबर जो है वो आपको क्या है था? जब आप अपने बैंक से बायर्स क्रेडिट करवाते हैं तो आपको क्या है, वो IMO नंबर देना पड़ता है। कई बार क्या है, आपको कहीं और भी देना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। आइए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे GFS जिसेल, ये क्या है, वेसल का नाम है। वेसल क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेसल जो है एक कंटेनर शिप होता है जो आपके कंटेनर को लेकर के आती है। जब आप बाय सी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने कंटेनर को वेसल पे डाल करके आप लाते हैं, ठीक है। तो ये है वेसल, इस पे हम कंटेनर लाते हैं। तो क्या, अरे वेसल जो है सबका नाम अपना अलग अलग है। वेसल का, आपका कंटेनर जितनी बार आएगा वेसल का नाम वही रहेगा, लेकिन ये जो वेज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है 0054, ठीक है। यहाँ वॉइस देखिए, ये 0054 है। और मैं आपको दूसरा यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन सा है। यहाँ पे दूसरा देखिए, यहाँ पे जो वो है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये है ट्रांस एशिया की है, ठीक है, ट्रांस एशिया की। ये भी क्या है, जेबल अली से आ रहा है मुंद्रा होकर के एसीडी सोनीपत। और ये है GFSL, यहाँ पे लिखा वेसल और वॉयज, GFS जिसेल 0040E। ये क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है वेसल तो सेम है, लेकिन वेज जो नंबर जो है ये बार बार चेंज हो जा रहा है। दो आप देख लिए हैं, ये तीसरा देखिए, यहाँ पे भी क्या है कि वेसल सेम है और वेज नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। तो वेज नंबर क्यों चेंज हो रहा है, वेज नंबर बेसिकली होता क्या है, जब भी जिस कंट्री में भी वेसल रूट करती है तो उसके हिसाब से क्या है, उसका नंबर चेंज होता है। जिस तरीके से आप मान लीजिए, या तो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, या किसी फ्लाइट से आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, या सिंपल सी आप ये बात मान लीजिए कि आपका जो कंटेनर आता है, एक ही कंटेनर क्या है आपके पास बार बार वही रोटेट होके तो नहीं आता है। कभी कुछ कंटेनर आता है, कभी कोई दूसरे नंबर का कंटेनर आता है, क्या होता है उसका नंबर चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरीके से क्या है, जब भी वेसल किसी आउट ऑफ कंट्री जाती है, ठीक है, तो रूट के हिसाब से क्या है, उसका वॉयज नंबर जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। वेसल का जो है नेम सेम रहता है और वॉयज नंबर जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो रूट के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वो नंबर रखते हैं। जैसे हम अपने कोई प्रोडक्ट का या किसी चीज़ का टिकट नंबर जैसे अलग अलग होता है, उसी तरीके से यहाँ पे वॉइस नंबर जो क्या है, जिस भी रूट में वेसल जाती है कंटेनर को लेकर के, कंटेनर शिप जो लेकर के आगे जाती है, उसके हिसाब से क्या है यहाँ पे वो नंबर भी चेंज हो जाता है। ऐसा है, इसलिए एक वो रूट पूरा कंप्लीट करने के बाद दूसरे रूट में वेसल जाती है शिपमेंट को लेकर के, तो उसका जो वॉइस नंबर है यानी रूट नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि वॉयज और वेसल में क्या अंतर है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने वेसल को फाइंड करना है और किस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपका जो वेसल है वो कितने साल पुराना है, कौन से कंट्री का वेसल है, किस कौन से कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ठीक है, और उसका IMO नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम गूगल पे चलते हैं। सिंपल सा क्या करूंगा, जी
एफ एस जिसे लिखूंगा, ठीक है, गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो वेसल फाइंडर लिखा है, GFS जिसेल कंटेनर शिप डिटेल एंड करंट पोजीशन, यहाँ पे आपको पता चल जाएगी आपकी जो शिप है वो कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, द करंट पोजीशन ऑफ GFS जिसेल इज एन इंडियन पोस्ट रिपोर्टेड 40 आवर एग्रो ISA, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है वेसल इज एन रोट द पोर्ट ऑफ नवाशिवा, नवाशिवा के लिए जा रहा है, सेलिंग स्पीड जो भी इसका स्पीड इस स्पीड से ये चल रही है, ठीक है। वो क्या है, एक्सपेक्टेड अराइव देयर, मतलब नवाशिवा जो है ये 25:22 यानी रात के 11 बजे तक जो है ये 11:30 बजे तक पहुँच जाएगी आसपास में, ठीक है, पहुँच जाएगी। उसके बाद ये वेसल GFS जिसेल जो IMO नंबर क्या होता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। IMO नंबर जो है आपको वेसल पे, ये जो वेसल है इस पे आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। MMHS जो भी नंबर होता है वेसल का वो नंबर आ जाएगा। ये जो है, ये शिप जो है कब बना हुआ है, ये शिप जो है 2015 में बना हुआ है, ये 8 साल पुराना जो है, ये जो जहाज है वेसल जो है 8 साल पुराना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड करेंटली सेलिंग अंडर द फ्लैग ऑफ सिंगापुर। ये फ्लैग का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ये फ्लैग जो है आपको ये यहाँ पे बताता है कि ये जो वेसल है कौन से कंट्री का वेसल है, उसकी के लिए यहाँ पे सेलिंग अंडर द फ्लैग जो है, अलग अलग शिपमेंट का क्या है, अलग अलग वेसल का आप फाइंड करके देखेंगे आपको अलग अलग यहाँ पे मिल जाएगा, अंडर द फ्लैग कौन से कंट्री का है और कौन से कंट्री का नहीं। यहाँ पे पूरा पोजीशन लिखा हुआ है, पोजीशन जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए IMO नंबर वगैरह सारा सब कुछ आ गया, नेम ऑफ द शिप आ गया, GFS जिसेल आ गया, फॉर्मर नेम जो है इस नाम से भी इसको जाना जाता है, कंटेनर टाइप एक्टिव आ गया, फ्लैग सिंगापुर आ गया, ठीक है। बिल्डर इसको जो किसने बनाया हुआ है तो यहाँ पे क्या है, चीन से ये बना हुआ है, क्लासिफिकेशन आ गया है, होम पोर्ट जो है सिंगापुर है, ओनर जो है ओनर का नाम भी आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी ये आ गया है यहाँ पे कि ये कब बिल्ड हुई है, किसने बनाया है, इसका क्या नाम है वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आप गूगल पे जाके यहाँ पे दे सकते हो। इसका क्या है, बेसिकली मैं आपको सच बताऊँ तो इसका यूज़ हालांकि होता ही नहीं, लेकिन ये जानकारी यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फील्ड में हैं तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बेसिकली IMO नंबर जो है वो आपको काम आएगा, तो इस तरीके से हम IMO नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।